यूपी के चित्रकूट से है बड़ी खबर। नारी शक्ति बंधन का क्या करें जब बेटियों को इंसाफ ही न मिल सके। बताया जाता है कि युवती के साथ जबरन दो दो बार रेप किया गया। किसी चौराहे पर यमराज आरोपी को लेने नहीं पहुंचे। थाने के चक्कर लगाकर हार चुकी इस युवती ने आत्महत्या कर जीवन लीला ही समाप्त कर लिया। बताया जाता है कि यूपी के चित्रकूट में प्रधान पुत्र ने नाबालिग से दो दो बार जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन उल्टा पुलिस आरोपी से गठजोड़ कर समझौते का दबाव बनाती रही। खुद के साथ हुए दुष्कर्म का सौदा कानूनी सह पर होता देख उसने मौत का रास्ता चुना। जैसा कि आप वीडियो फुटेज में देख भी रहे हैं कि पीड़िता ने क्या आप बीती सुनाई। लेकिन इस समय सूत्रों की माने तो युवती ने आत्महत्या कर लिया है। देखें इस वायरल वीडियो में। तो उसके घर वालों को लग गया था कि मतलब हमारा लड़का अखिल भी निकल जाएगा, तो उसको घर में ही बंद करके रख दिए थे। फिर हमारे घर वाले उसको ढूंढ रहे, मतलब हमको ढूंढ रहे थे, तो इस बात का पता मतलब अखिल के पापा ने हमारे घर वालों को दिया कि आप परेशान मत हो, आपकी लड़की स्टेशन में है। फिर उनके घर वाले हमको लेने गए और हमको फिर घर वहाँ से लाए। अच्छा, आप जब रेप हुआ था इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? इसके बाद पहले हम वहीं थे, मारे डर के घर नहीं आए, वहीं पे बैठे थे और वो अपने घर भागा था। फिर रात में फिर हमारे पास गया। घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता था। जी सर, थाने में सूचना दिए थे लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई हमारी नहीं। क्या बोले थाने में? थाने में ये बोले कि आज जाओ दूसरी जगह जाओ, एप्लीकेशन लिखा के लाओ, ये लाओ वो लाओ। बहुत बार हम दो तीन बार एप्लीकेशन दे भी चुके थे, फिर भी हमें कह रहे थे कि जाओ एप्लीकेशन लिख के लाओ, फिर से दो। इसी तरह तार रहे थे दो तीन दिन। क्या नाम है आपको? रूबी देवी। कहाँ से आई है? वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।